हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि हम लोग आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज या नया लिंक कैसे करेंगे। दोस्तों, घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस जानकारी मिलने वाला है, इसलिए वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। दोस्तों, तो किस प्रकार से हम लोग आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे SSUP लिख करके सर्च कर देंगे और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। थोड़ा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको चेक का आधार वैलिडिटी लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर में आधार कार्ड का नंबर डाल लेंगे, कैप्चा डाल लेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक किए, आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हुआ देखने का तरीका, और हम बताते हैं चेंज या लिंक करने का तरीका। तो यहाँ से हमको बैक हो जाना है। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, सर्च बार में टाइप करना है पोस्ट इन्फो लिख करके सर्च कर देना। तो चलिए हम यहाँ पोस्ट इन्फो लिख करके सर्च कर देते हैं और सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ गया है। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना और यहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिख करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे IPP कस्टमर लिखा हुआ है, IPPB कस्टमर और नॉन IPPB कस्टमर। तो हम यहाँ पे नॉन IPPB कस्टमर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर वाले लाइन पर क्लिक कर देना, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आधार मोबाइल अप टू डेट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार मोबाइल अप टू डेट पर क्लिक कर लेते हैं और उसके नीचे में आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चॉइस ऑन ऑप्शन, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मिस्टर या मिसेज जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है और लास्ट नेम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट लाइन, आप जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। और एड्रेस सेकेंड लाइन, दो लाइन में आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। और यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद नीचे पिन कोड डाल दीजिएगा जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सर्कल आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे इस बॉक्स में आपको डालना है आप कौन सा मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं और कहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। एड्रेस के साथ यहाँ पे आपको डाल देना है, पिन कोड डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि टिक लगा दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे जो जो कैप्चा दिख रहा है सही सही हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हमें पूरा डिटेल डालकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP डाल करके फिर से सबमिट करना होगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करने का प्रोसेस चला जाएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपके घर पर कुछ 1 से 2 सप्ताह में आपके घर पर जो पता आप दिए हैं उसी पता पर आ करके आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज या नया लिंक कर दिया जाएगा दोस्तों।
आपको 50 रुपया चार्ज देना होगा, और उसके बाद सभी स्टेट में आप लोग ये काम अभी नहीं कर सकते दोस्तों। घर पर बुलवा करके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट नहीं कर सकते हैं, अभी सभी स्टेट में लागू नहीं हुआ है। आप लोग अपना देख लीजिएगा, सभी स्टेट में करके देख लीजिएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको आधार सेंटर जा करके ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज या नया लिंक करना होगा। हमें आशा की वीडियो देख करके आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से हम लोग आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज या लिंक करेंगे। वीडियो देखने के बाद मन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।